गई, मैम ने अलाउ नहीं किया और एकदम से कोई एक्सक्यूज नहीं बना यार हमसे। हाय गाइस, राइट नाउ सो गाइस, मैं कॉलेज में आ गई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब गला ठीक नहीं है, और ये मेरा दोस्त अब बोल नहीं रहा तू व्लॉग। अरे मैं क्या बोलूँ, तू नहीं तो खाता व्लॉग शुरू कर, पूरी क्लास का कर ले। तू पूरी क्लास का इंट्रोडक्शन थोड़ी दूंगे अपने व्लॉग में। सो गाइस, हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक बार जब क्लास स्टार्ट होती है तो हमें ब्रेक नहीं मिलता। अभी नहीं बोलेंगे भाई, तब से कहते व्लॉग बना दो। क्लास हो गई कम्प्लीट, मेरी तबीयत खराब है, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा मन कर रहा था मैं मैम को आँख बंद करके सुनती रहूँ। नहीं मैम की आवाज़ इतनी पसंद नहीं है, आँखों में दर्द हो रहा था। ये देख चिराग का मैसेज आ गया, वो लोग पहुँच गए। जय हिंद। हमारे कॉलेज में ऐसे ही सब जूनियर सीनियर्स को जय हिंद बोलते हैं, ये रूल रेगुलेशन है। हाँ, क्या न्यूज़ पढ़ी तुम सोच होती थी? दिमाग में नहीं आ रहा। क्या हम राजमा चावल खा रहे हैं जो कि पुरु के घर से आया है, काफी ज्यादा टेस्टी। ये दिख रहा है और फ्रूट्स ये दिख रहा है, ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। मैंने पढ़ा है इसका, मैंने इसमें पढ़ा है, यूट्यूब के बारे में भी दिया है, मैं न्यूज पेपर पढ़ रही हूँ। ये पढ़ी है तेरे काम की? क्या है ये काम की है? क्या है ये? इंडियन कोर मार्केट की फॉर प्रोडक्ट डिजाइन। मैंने अपने मतलब की पढ़ ली थी। चलो हम खाना खा के मिलते हैं। खाओ खाओ खाओ, खाना खा के मिलते हैं। ये खुद दिखा रही है, गाइस ये फेक ब्लॉगर है। इसकी मम्मी ने फ्रूट्स मंगाए थे, इसकी मम्मी ने फ्रूट्स दिए थे और ये यहाँ पे जानवरों की तरह छोले क्या है ये? राजमा, पहले ये देख ले, खा क्या रही हूं मैं? राजमा चावल खा रही है जानवरों की तरह, और गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे एक मॉडल भी है मेरी। मतलब भाई ये तुमने ऐसा क्या काम करा है? तुमने ऐसा क्या काम कराया जो तुम्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है? सब चीज कैमरे में थोड़ी बताएंगे। और बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और गाइस आप मशहूर पर्सनालिटी से मिल सकते हैं जो हमेशा बात करती रहती है फोन पे। क्या नाम है आपका? सानिया मिर्जा। यहाँ बैठी है आप? शर्मा है वो। शर्मा गाइस हम भाग भाग कर आए और हमारे को मैम ने क्लास में नहीं घुसने दिया। अब हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉलेज। जस्ट 3 मिनट के ऊपर हमारी एक क्लास छूट गई, मैम ने अलाउ नहीं किया और एकदम से कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना यार हमसे। अगर कुछ एकदम मन में आया था ना, मैम इस वजह से लेट हो गए तो शायद, और अब नेक्स्ट पीरियड भी फ्री है। बताओ आया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता डे क्या है। और लेट हम क्यों हैं उसका रीज़न है ये लड़का, ये अपने बिजनेस के स्टार्टअप्स बता रहा था हमें। तो भाई कॉफ़ी तो मैं पी चुकी थी। ओह यार बहुत धूप आ रही है, तो चलो कॉलेज बैकग्राउंड में दिख रहा है, पर पूरा कॉलेज घुमाने में भाई गर्मी बहुत है। मेरा दोस्त है जो सुबह एक कटोरी दही और केले खा कर आया, क्योंकि इसे हम भी नहीं पहलवानी करनी और इसकी वजह से हम लोग मेरी वजह से इसकी वजह से हमने से चाय भी पिलाई थी। चाय नहीं कॉफी। नहीं चाय पहले ऑफर की थी, फिर इसने बोल दिया कि मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे कॉफी पीनी है। Because I am a coffee person. इसकी वजह से हम लेट हो गए और डिमांड के पैसे ये देगी। इस कॉलेज से आने के बाद मैं गई थी डांस क्लास, और डांस क्लास आने के बाद मैं और मम्मी आए हैं मेले में। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मेरा बहुत ज़्यादा मन था मेले में आने का, और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो सबसे पहले खाना खाऊंगी, सबसे पहले भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है आपको मेला? अच्छा लग रहा। तो अभी तो सफाई बहुत है। हाँ लाल की जय।
खाने के बाद हम लोगों ने लिया ये दूध, बहुत टेस्टी दूध होता है। कैसा है मम्मी? बहुत अच्छा, लाइट मीठे का, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है, बहुत लाइट मीठा होता है इसमें। मेरा खाना हो चुका है, अब हम थोड़ा मेला घूमेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ लाइट नहीं आ रही, हम लोग बड़े काले काले से आ रहे हैं, इधर लाइट नहीं है ना, हम इधर बैक साइड में हैं। मैं बताती हूँ कैसा है। बहुत टेस्टी है, मावा टाइप होता है ना। गाइस हमें मिला माता जी का प्रसाद, हम बहुत ही अच्छी सिंगर आई हुई थी, उनका भजन सुना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाया उन्होंने, और हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट, 11 बज गए हैं। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यही एंड, कॉलेज भी जाना है सुबह, और मिलते हैं कौन नए ब्लॉग के साथ, बहुत सारी बिजी चीजें चल रही हैं, अभी से कल करूंगी एडिट, मिलते हैं कल। यार कैसे देखते हैं लोग व्लॉगिंग करते हैं।